सोनेट की करेंगे, किया सोनेट जीटी लाइन जो कि सबसे टॉप मॉडल है। जीटी और जो जीटी से नीचे मॉडल है इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, कितनी एवरेज दे देती है डीजल में। हेलो दोस्तों, आज आपको शेयर कराते हैं किया की, जो कि ऐसी ब्रांड है जो कि इंडिया में आते ही जो इसने मार्केट पकड़ी है किसी भी कार ने नहीं पकड़ी होगी। इसके साथ और भी कार आई हैं मार्केट में, MGI हो रहा है, लेकिन उन्होंने उतनी ग्रोथ नहीं करी और उतना नाम नहीं हुआ जितना इसका हुआ। लेकिन आपके सामने आज हम जो बात करेंगे सोनेट की करेंगे, किया सोनेट GT लाइन जो कि सबसे टॉप मॉडल है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। और ये कार है अपने भाई की। कैसे हो भाई? ठीक हो? बस बढ़िया। भाई का भी यूट्यूब चैनल है, किस नाम से? दिवेश जैन नाम से। दिवेश जैन जी, दिवेश जैन के नाम से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कार ये आपको पहले ये बताओ ऑन रोड कितने की पड़ी? भैया मेरे को ये गाड़ी पड़ी 1580 की। 1,580,000 की। और ये 2021? हाँ जी 2021 मॉडल। और जो ये लोगो है ये न्यू वाला है पुराने वाला है? न्यू वाला लोगो। न्यू लोगो जो अब किया दे रही है, तो कैसे मन बना किया लेने का? मतलब इस रेंज में तो बहुत कार आती है, वो 15-16 लाख देने का मतलब आपको इतनी कार इतनी चीजें मिलती हैं तो यही क्यों? भैया मेरा था कि मैं ना 8 साल से मारुति चला रहा था, स्विफ्ट स्विफ्ट डीजल चला रहा हूँ। ओके। वो मैनुअल है। अब okay. मेरे को ये था कि अब मेरा लोकल का ज्यादा रहता है, ट्रैवलिंग वगैरह लोकल ज्यादा करता हूँ, तो मेरे को एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक वगैरह आपने देखा ही है, काफी ज्यादा है। तो उस चक्कर में मेरे को एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी फुल फीचर के साथ। तो मेरे को एक 1580 इतने बजट में कोई टॉप मॉडल किसी और कंपनी में नहीं मिल पा रहा था। देखो मार्केट पकड़ने का रीजन भी मेरे को इसका यही लगता है मेन रीजन, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना, किया ने जो प्राइस दिया है, जो फीचर्स दिए, मेरे को नहीं लगता इतने कम प्राइस में कोई कार दे रही है इतने फीचर्स। लेकिन लोग फिर भी कहते हैं भाई 1580 क्यों डाल दिए, लोगों को ही नहीं पता। नहीं लगता, मैंने भी आपसे यही सवाल पूछा, लेकिन फीचर्स जो इसमें है, क्योंकि मैंने जो किया सोनेट है मेरे ख्याल से सबसे पहले जो सेमी ऑटोमेटिक आया वो किया सोनेट लाई है, तो आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक है? सेमी है, फुल्ली ऑटोमेटिक। इसका मतलब काफी लोग आपसे कहते हैं कि इतनी महंगी कार क्यों ली? भैया सारे बोलते हैं, लेकिन वही है, जब बंदा जब तक चलाएगा नहीं तो फीचर्स का नहीं पता होगा कि गाड़ी का क्या है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मतलब मेरे को बड़ी हेल्पफुल होती है लोकल में चलाने में। जैसे अब इसमें देखोगे ना, इसमें आपको फ्रंट सेंसर्स भी मिल जाते हैं रियर के साथ साथ, फ्रंट सेंसर्स भी हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बॉस का पूरा सिस्टम रखा है 7 स्पीकर्स के साथ, ठीक है, 10 इंची की स्क्रीन मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसके। अच्छा वो भी है? हाँ वो भी इसके अंदर। तो मतलब एक बहुत माइनर सी चीजें हैं जो आपको और मॉडल्स में नहीं मिलेंगे। लोग इसका कहते हैं कि HP K+ ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं, बट उसमें अगर जाओगे ना तो आपको 5 से 6 फीचर उसी में कम हो जाएंगे, गाड़ी कम हो जाते हैं जी। लेकिन मैंने ये देखा किया जिस रेंज में कार ला रही है, अभी इसने न्यू कार लॉन्च किया जो कि 10 लाख से नीचे में 7 सीटर कार दे देती है, जो कि इंडिया में एक दो खाली मेरे ख्याल से मारुति की अर्टिगा के बेस पे गाड़ी है वो, मतलब उनके लिए एक ही थोड़ा लोग अब चाहते हैं कि गाड़ी में बैठ के प्रीमियम फील करें। अब मारुति है, मारुति का नाम इसलिए कि एक तो देखो लो मेंटेनेंस कार है और इजीली कोई भी कहीं भी कुछ दिक्कत आती है कोई भी मैकेनिक ठीक कर देता है। लेकिन मारुति के जो प्राइस के हिसाब से लेकिन फीचर्स नहीं दे रही है ना, ये तो फीचर्स के साथ एक प्रीमियम फील भी देती है। अब मेरे को बहुत लोगों ने बोला यार तू टाटा ले लेता, ठीक है, तूने टाटा पे क्यों नहीं गया, महिंद्रा पे क्यों नहीं गया? अब मैं ऐसे ही बताऊँ, मैं महिंद्रा 300 भी देखने गया, लेकिन भैया मेरे को वो बैठ के, हम मैं मानता हूँ गाड़ी रफ एंड टफ है, बहुत बढ़िया, लेकिन टाटा वो प्रीमियम फील नहीं कराती है जो अब उसने 700 में कराया है। हाँ, करा इसमें आपको प्रीमियम फील आता है या आप देखोगे ना गाड़ी को तो इसमें लेदर फिनिश मिलती है आपको पूरी गाड़ी में, ठीक है, लेदर सीट्स मिलती है। अब अंदर बैठ के बंदे को लगता तो है कि हाँ भैया मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने अच्छा फील कर रहा हूँ, अभी चीज आपको टाटा में महिंद्रा में फील नहीं होगी। अच्छा ये बताओ आपने चला कितनी लिए? मैंने भैया 6,000 चल चुकी है। 6,000 चल चुकी है, तो ये लोकल में चलाई अपने या कोई ट्रैवल भी किया? अभी तो फिलहाल मैं ट्रैवल तो इसमें ही करता हूँ, मैं मनाली वगैरह ले जा चुका हूँ उसे, ठीक है, एंड जयपुर गया था वहाँ भी ले जा चुका हूँ, फिलहाल अभी लोकल में चलाई है। लोकल में चलाई है तो सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हिल पे भी सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा लगाओ कुछ कमी जो कोई लेना चाहे तो उसको पहले से पता चल जाए? प्रॉब्लम बस थोड़ा यही है कि गाड़ी में आपको थोड़ा ये तो होता है कि देखो सेगमेंट के हिसाब से लोग कहते हैं कि अगर 15-16 लाख रुपए आप डाल रहे हो, थोड़ा अगर पावर की बात करो तो हाँ भैया अगर आपको पावर चाहिए ज्यादा, हार्डनेस चाहिए ज्यादा, तो भैया आप टाटा महिंद्रा पे जाओ, लेकिन अगर आप इतने पैसे डाल के जैसे मेरे को प्रीमियम फील कर रहा हूँ, मैंने बताया जैसे 8 साल से स्विफ्ट चला मतलब टाटा महिंद्रा लेंगे तो आपको ये है कि 15-16 लाख में प्रीमियम फील नहीं होगा, एक कार हो सकता है नहीं होगा। हाँ आपको लगेगा कि हाँ आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है बढ़िया गाड़ी चला रहे हो, लेकिन वो मेरे को प्रीमियम फील करना था तो वही प्रीमियम फील टाटा और महिंद्रा नहीं करा। और 15-16 लाख में शायद ऑटोमेटिक कार वो भी आपको SUV में, कोई भी आप मुझे 15-16 लाख में कोई आप मेरे को सजेस्ट बताओ कोई गाड़ी को। क्रेटा स्टार्ट मेरे ख्याल से 18-19 में होती है, वही तो क्रेटा अगर मैं टॉप मॉडल पे जाता तो 21-22 लाख का बजट मेरा नहीं था, इस चक्कर में मैं किया का सोचा। लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट थोड़ा ऐसा फील नहीं होता जैसे SUV कहने के लिए बोल देते हैं या है वही स्विफ्ट की तरह? इसमें ये गाड़ी तो लंबे लोगों के लिए नहीं बनी, अभी जैसे आप इसमें बैठोगे ना ड्राइविंग सीट पे ये उधर थोड़ा आपको
प्रॉब्लम होगी, मतलब 6 फुट तक ठीक है, उससे ऊपर प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत होती है लंबे लोगों के लिए, तो ये गाड़ी नहीं है, मैं इतना बोलूंगा गाड़ी को। ओके, बाकी जैसे ये है आपने कंपनी से ही ऐसे ही कुछ नहीं कराया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कराया, सब कुछ मेरे को जो मिला। जीटी और जो जीटी से नीचे मॉडल है इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? उसमें काफी डिफरेंस है, अगर आप नीचे के मॉडल्स की बात करोगे ना तो ये जैसे उसकी हेडलाइट या एलईडी हेडलाइट्स नहीं मिलती है, ठीक है, वो उसमें आपको नॉर्मल हेडलाइट जो होती है वो मिलती है, उसमें टाइगर ग्रिल नहीं मिलती है आपको, जिससे लुक आती है गाड़ी की। ओके, ये नहीं मिलेगी, ये सिर्फ जीटी लाइन में ही आता है, ये रेड कलर के जितनी आप देख रहे हो सब ये जीटी लाइन में ही आएगा, इसमें अलॉयज में भी, और थोड़ा ये है कि नीचे जाने पे इसके क्रोम फिनिश अलॉयज भी नहीं आते हैं। ओके, ये वाले अलॉयज इसी में आते हैं? हां, इसी मॉडल में आते हैं। दूसरा, वेंटिलेटेड सीट्स ही आएंगी जो कि मेरे को गर्मी में बहुत बेनिफिशियल लगती है। ओके, कि अगर आप सपोज कहीं पार्टी वार्टी फंक्शन में जा रहे हो, आपने फॉर्मल्स पहने हैं और वो पीछे से गीली हो जाती है तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो दोनों सीट है फ्रंट? दोनों सीटें वेंटिलेटेड है इसकी। ओके, और सनरूफ भी है? सनरूफ भी है। ऑन रोड प्राइस क्या बताया आपने? 15 लाख 80 हजार। उसमें 20,000 ऑप्शनल होते हैं, वैसे तो ये एक्सेसरी के बोलते हैं 20,000, मतलब वो तुम्हारे ऊपर डलवानी है, तो मैंने सिर्फ उसमें 70 मैट्स ऐड कराए थे, बाकी मैंने अलग से कुछ नहीं डलवाया था, जिसके मैंने सिर्फ 5,000 रुपए पे करे थे, मतलब 15,000 रुपए मैंने एक्सेसरी नहीं लगवाई वहाँ। बाकी संतुष्ट पूरा है, कुछ ऐसे नहीं लगता कि मेरे 15 लाख गए या अब इस टाइम में, जैसे 2021 में ली थी 22 में, कि भाई अब इस टाइम में वो कार लेता, जैसे अब कोई इसको लेना चाहे सोनेट को, तो आप कहेंगे यही ले लें या इसके प्राइस में कोई और कार आ गई है? भैया देखो, इसके प्राइस में अगर मैं अगर बात करूं, जैसे अभी MG की भी X4 आई है, वो आई है, जैसे Ester आई है गाड़ी, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, सुना मैं कि फीचर्स बहुत अच्छे, मैंने वैसे गाड़ी चलाई नहीं है वो, लेकिन मेरे को मैंने सुना है कि काफी अच्छे अच्छे फीचर्स उसमें, एक तो सबसे अच्छा एडास आ गया जो कि उस प्राइस में मिलता ही नहीं है। मैंने बहुत देखी भी है कि मतलब लॉन्च होते एकदम से रोडों पे निकल गई है वो गाड़ी, मतलब लोग ले रहे हैं, तो मतलब आदमी आज के डेट में फीचर और प्रीमियम के पीछे भाग रहा है। और क्योंकि मेरा ब्रदर खुद से बुक कराने गया था, कजन ब्रदर, तो उसने यही देख के बोला था कि भाई इतनी महंगी गाड़ी है, इतने में तो कुछ और आ जाए, लेकिन अब लोग ले रहे हैं उसको, ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, वही है फीचर्स मिल। मेरे को आज तक ये चीज समझ नहीं, कोई भी कार या कुछ भी आते हैं लोग बोलते हैं पहले महंगी, और फिर वो सबसे ज्यादा रोड पे भी देखने के लिए मिलती है। i20 सबसे ज्यादा महंगी है, 12-13 लाख में टॉप मॉडल है, लेकिन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है, इसको भी लोग बोलते हैं, और मेरे को लगता है सेल्टोस से ज्यादा ये ज्यादा जा रही है रोड पर। अब भैया मेरे को ये लगा लो कि 20 वीक की वेटिंग बोली थी कंपनी ने, अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है फर्दर इनका जो भी, अगर अगर 20 वीक की वेटिंग कंपनी बोली है, मतलब लोग बुक करा रहे हैं तभी तो इतनी वेटिंग है। SQV 700 भी देख सकते हो आप, लोगों ने बोला महंगी है टॉप मॉडल 26-28 लाख में महंगा, लेकिन पसंद होती है हर किसी की कि कैसे है, कैसे चलानी है। अब मेरे को फीचर्स भी चाहिए थे, दूसरा मैंने डीजल वेरियंट लिया है ये, क्योंकि मेरी रनिंग ज्यादा है तो मेरी एवरेज भी अच्छी देती है गाड़ी। डीजल में कितनी एवरेज दे देती है? डीजल में 17-18 की एवरेज निकल जाती है लोकल में, और हाईवे पर? हाईवे मेरे को 20 प्लस दे देती है, 20 प्लस आराम से निकलती है, बहुत प्यार से आती। तो ये तो सेफ्टी से कह लीजिए इसे, तो तभी तो कह रहा हूँ कि लोगों को नहीं पता, मैंने कम से कम गाड़ी बुक कराने से पहले 3-4 जगह टेस्ट ड्राइव ली थी, तसल्ली करी थी अपनी, उसके बाद मैंने पैसे डाले, अदरवाइज मैं इतने पैसे डालते नहीं। और अंदर बैठकर आपको एक लग्जरी फील होता है, जैसे ये लगा लो कि मैंने अभी तक इसके जितने नीचे मॉडल भी एक दो बार ट्राई करे चलाने पे, मुझे वो प्रीमियम फील उनमें भी नहीं आया। हाँ, लोग बोलते हैं इसका डुअल टोन होता है वो अच्छा लगता है, जैसे अभी इसमें पियानो फिनिश है एसी पे, इसमें जो HTK+ मॉडल है उसमें पियानो फिनिश ना आके ना उसमें सिल्वर टोन दे रखा है, तो सिल्वर ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब वही है इसमें पियानो फिनिश दे दिया, पूरा टोन ब्लैक है, तो मेरे को ये भी ज्यादा अच्छा लगता है। और जो उसकी रेड कलर की अलग से आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा है, ये ब्लैक कलर पे बहुत सूट करता है सारी चीज़, ये सारी लेदर फिनिश है, देखो ये रेड कलर की थ्रेडिंग है। और मेरे ख्याल से सबसे पहले इसको कौन लाया था, ये GT ऐसे स्पोर्ट्स उसमें L लाइन आ गया है i20 में, GT इसमें GT आया था, होंडाई ने i20 में निकाल दिया है लाइन, पोलो ने भी निकाला था, पोलो ने भी, अच्छा GT वेरिएंट पोलो ने भी, सबसे पहले पोलो ने निकाला था। और जो पीछे की सीट है वो कंफर्ट है, जो फैमिली का कोई भी कंफर्ट है, आराम से 3 बंदे बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि लंबे छोटे कट्टे, लंबे तो आप कह रहे हैं आगे भी कंफर्ट नहीं है, देखो लंबे बंदे तो बैठ ही नहीं पाते, 6 फीट तक का बंदा हो 5-10-6 फीट तक का आराम से बैठ जाएगा, लेकिन पीछे आराम से 3 बंदे आ जाते हैं। और ब्लैक कलर जो आपने लिया है, आपको लगता गंदा ज्यादा होता है या रोड पे मेंटेनेंस ज्यादा इसकी? किसी चीज के एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ब्लैक अच्छा लगता है, अच्छा ब्लैक मेरा मानना है कि हर गाड़ी हर कार में अच्छा लगता है, मेरा भी मानना यही है। बूट स्पेस कैसा है इसका? भैया बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं, कंपनी कितने लीटर का बताती है? 295 जी, अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन जो आजकल प्रॉपर SQV 700 आ रही है, चाहे प्रॉपर कोई भी SQV कार आ रही है, चाहे वो 700 है चाहे फॉर्चूनर है, उनका बूट स्पेस बहुत कम रहता है, खासकर ऐसी कारों से। ये 5 सीटर तो है लेकिन बूट स्पेस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। इसी में सेम वेरिएंट में अगर देखो तो एक Hyundai Venue आती है, उसमें
उस बूट स्पेस भी थोड़ा कम है इसके कंपैरेटिवली। ओके, और दूसरा ये है गाड़ी में थोड़ा ना बैठ के मुझे नीचे फील होता है, जैसे गाड़ी में बैठा इसमें या उसमें वेन्यू में? वेन्यू में। ओके, ये गाड़ी थोड़ा ऊपर फील करती है बैठ के, क्योंकि वेन्यू भी मैंने सोची थी क्योंकि हुंडई की गाड़ी है तो वो भी सेम प्राइस में ही मेरे को पड़ रही थी, लेकिन क्या है मेरे को थोड़ा वो गाड़ी ना नीचे फील कराती है बैठ के, मैं थोड़ा टफनेस कम लगी है। देखो सबसे मेन बात ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आजकल ये जरूर देखते हैं कि मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है। कार का हम तो ये देख लेते हैं कितने की है, फीचर्स क्या है, लेकिन उसके बाद कभी कभी सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिलती है। मेरे मानना है ब्रांड कोई भी हो, आपको अगर वो कम प्राइस में फीचर्स दे रही है, फीचर्स के साथ आपको लेने के बाद कंपनी से आपको सर्विस अच्छी मिल रही है, मेंटेनेंस अच्छा मिल रहा है, लो बजट है, तो कार वो अच्छी है। तो इसका क्या है मतलब कितना सर्विस चार्ज कॉस्ट आ जाता है? 1000 रुपये। दूसरी मेरी ड्यू हो चुकी है 5000 रुपये, वो ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी जा नहीं पा रहा हूं सर। इसकी फर्स्ट होती है 1000 पर, फिर 5000 रुपये, इसकी मेन जो सर्विस होती है वो 10000 रुपये होती है। तो अभी प्राइस का आपको पता नहीं है? प्राइस का मैंने एस्टिमेट पूछा था, मतलब ऐसी आइडिया ले लिया था जब मैं फर्स्ट सर्विस पे गया था, तो उन्होंने मेरे को लगभग 3500-4000 रुपये का खर्चा बताया। 3500-4000 जो कि कंपनी से आपकी डीजल वेरिएंट की सर्विस अच्छे से हो जाएगी। पर है गाड़ी है, क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊंगा 12-13 लाख का मॉडल लूंगा इसका, तो मेरे को वही फीचर्स कम पड़ जाएंगे, वही फीचर्स अगर मैं बाहर से ये ऑफ मार्केट से काम कराता हूँ तो भैया मेरे को ये लगा लो कि उतने मेरे को 2.5-3 लाख रुपए। बेस मॉडल कितने से स्टार्ट है इसका? ऑन रोड, ऑन रोड इसका भैया बेस मॉडल आ जाता है आपका 8-8.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जो एच टी ई वेरियंट है, 24-25 वेरियंट आते हैं। और जो सेमी ऑटोमेटिक है वो आपने ट्राई किया? आईएमटी है, वही आपको मैं वही बता रहा हूँ, उसमें लोग ज्यादातर उसको लेने पसंद करते हैं, एच टी के प्लस मॉडल लेते हैं। ओके, जिसमें आपको क्या होता है, तो वेंटिलेट सीट्स नहीं मिलती है, दूसरी उसमें 10 इंची वाली स्क्रीन नहीं मिलती है, बॉस के स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, बाकी ये टाइगर ग्रिल नहीं मिलती है। तो ये तो अच्छा खासा फर्क हो गया, वही बता रहा हूँ भैया। प्राइस में कितना डिफरेंस है? ये फर्क आ जाता है आपका, वो पड़ती है अप्रोक्सीमेटली आपकी 13-13.5 के आसपास पड़ती है, टमाटी वही 2-2.5 लाख में। हाँ, प्राइस में भी डिफरेंस आ गया एक तरीके से। तो आप पूरा संतुष्ट हैं इससे? लेने के बाद जो सर्विस है उससे भी खुश हैं? वही भैया, जैसे अब मान लो कि अब उसकी मैंने सर्विस अब मैं 10000 वाली कराऊंगा, तो अब उसका एक्सपीरियंस जो मेरे को बताया है लोगों ने, मेरे नोन्स ने भी ले रखी है, सेल्टोस वगैरह ऑन करते हैं, एक ने सोनेट भी ले रखी है, तो उन्होंने भी सब ये बताया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है जो ये बोलते हैं किया वाले। लेकिन जो मेरे को लग रहा है बाहर की ब्रांड आ गई है ना, उससे अपना इंडियन ब्रांड भी जैसे टाटा महिंद्रा इनमें इतना अच्छा ना, आप जब सर्विस कराने जाते रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता था जो वहाँ पे जितने भी लोग होते थे, लेकिन अब वो भी बहुत चेंज हो गया। महिंद्रा या कहीं भी जाओ उनका भी काफी अच्छा, मतलब हर चीज एक एक बिल्कुल डिटेल में बताना समझाना, काफी अच्छा रिस्पांस रहता है उनका भी। आज का टाइम ऐसा है जो आज की जनरेशन है ना, जो मतलब कार्स को लेकर वो ऐसा हो गया कि चलो ठीक है अगर मैं इतने पैसे पे कर रहा हूँ इंडियन कार्स के, तो उनको भी होता है कि भाई मेरे को भी थोड़ा प्रीमियम फील हो, चाहे वो सर्विस के टाइम फील हो, चाहे वो परचेजिंग के टाइम फील हो, हर किसी को ये हो चाहता है, चाहे गाड़ी चलाते हैं। तो इस चक्कर में अभी महिंद्रा ने जो अपनी 700 करी है, वो भी आप उसमें बैठ के देखो, मैं मेरे को महिंद्रा की पहली ऐसी गाड़ी फील हुई है इसमें बैठ के, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ भाई प्रीमियम है, अच्छी गाड़ी बनाई है महिंद्रा ने। तो मुझे लोगों ने ये भी बोला था भाई तू 1500 तूने डाले हैं, तेरे को 1.5-2 लाख रुपए बढ़ा के तेरे को बेस मॉडल मिल जाता है 700 का, लेकिन वही फीचर्स तो नहीं मिलेंगे ना। फीचर्स देखो सबका अपना अपना टेस्ट भी होता है। टॉप मॉडल मिलते हैं ना फुली फ्लेज, वो आपको बेस मॉडल में या मिड मॉडल में नहीं मिलता। और मुझे लगता है आज के टाइम में लोगों को फीचर्स ही ज्यादा चाहिए, जब भी सब कंपनियां इतने ज्यादा फीचर्स निकाल रही है जो किसी कार में नहीं होता, आजकल सब फीचर्स दबा कर दे रही है सब कंपनियां ना, ये फीचर के पीछे ही आदमी पैसे डालता है। अगर वही आप धीरे धीरे ये काम फिर बाहर से कराओगे, सही बात है, और वो साल दो साल फिर उसके बाद वही खराब होता है, रीसेल वैल्यू में आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आपको इसका मिल जाएगा। आपने टॉप मॉडल जितने का लिया है उतना प्राइस भी तो आपको मिलेगा, जितना भी आपने बाहर से मॉडिफिकेशन कराया उसका प्राइस मिलता नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो आफ्टर मार्केट काम करा लेते हैं, बेस मॉडल ले लेते हैं, उसमें 5-6 लाख-7 लाख रुपए धीरे धीरे लगा के, एक साथ नहीं धीरे धीरे 20-25 हजार लगा के उसे टॉप बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस चीज का फायदा टॉप ही ले लो, एक काम करो टॉप लेके काम ही। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुझे जो सबसे अच्छा इसका एक बात लगी इसकी गाड़ी की, इसका लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। ओके, अभी मतलब जैसे मैंने इसे लास्ट मनाली लेके गया था, तो मैं शाम को निकला था दिल्ली से, तो पहाड़ी पे जाते थे, रात ही हो गई थी, तो ये लगा लो कि मैंने रात भर ड्राइव करी है, तो मुझे थ्रो इसका बिल्कुल बेकार नहीं लगा, जो मैंने क्रेटा और सेल्टोस में फील करी है ये चीज। अच्छा। तो टॉप मॉडल का ये भी फायदा होता है कि आपको ऐसी चीज मिल जाती है कि आपको कुछ चीज की नीड फील नहीं होती है बाद में कि ये भी होता तो सही रहता। मैंने भी सोनेट सेल्टोस का जीटी लाइन का भी ड्राइव नहीं करा, तो मैं जीटी लाइन का बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है जब इसमें ही फीचर है तो सेल्टोस के जीटी लाइन में भी होगा, मैं एचटी के वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। मतलब आप सेल्टोस से नहीं सोनेट से कंपेयर कर रहे हैं डेटा को? तो ये भाई ने आपको बता दिया है जो कि एक ओनर रिव्यू कह सकते हैं आपकी, ये बिल्कुल संतुष्ट है इस कार से, किया कंपनी से भी संतुष्ट है, सोनेट कार से भी संतुष्ट है। और मेरा भी मानना है यार आजकल ना भेड़ चाल नहीं रही है, लोग इधर उधर जाने लगे, जो अच्छा आपको फीचर्स दे रहा है, जो अच्छा आपको उसके बाद सर्विस दे रहा है वो ही लेना चाहिए।
तो चलिए भाई मिलते हैं, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और बाकी आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू। और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखना अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।